हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं सिंपल वे आपको बताने वाला हूँ आप फेसबुक पर ऐड कैसे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको फेसबुक ओपन करना है। यहाँ पर आपको फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार का ऐड रन करने वाले हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये एक पोस्ट है। ये वाला जो ऐड होता है इसमें सबसे कम अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है और सबसे अच्छा रिटर्न आता है। बिकॉज फेसबुक में ऐसा रहता है कि आप जितना इंगेजमेंट लोगों का गैदर करते हैं उतना ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है। जितनी हाई क्वालिटी की आप वीडियोज़ अगर डालते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट लगता है, कंपेरेटिवली इसमें कम अमाउंट लगता है। सो इस प्रकार का ऐड रन करने के लिए आपको एक फेसबुक पेज की ज़रूरत होगी। फेसबुक पेज के लिए सिंपली आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करके पेजेस पर जाना है, और अगर आपका पेज नहीं है तो आपको क्रिएट पर क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका ऐसा फेसबुक पेज कंप्लीट हो जाएगा। आप यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि आप फेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं इफ़ेक्टिवली। जैसे आपका पेज कंप्लीट हो जाता है आपको यहाँ पर प्रमोट का ऑप्शन मिलता है। प्रमोट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहां से एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। अब यहां पर आपको आपका जो भी टारगेट है या फिर एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप मैसेज चाहते हैं, कॉल चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, स्टार्ट विद अ गोल, आपका क्या गोल है, व्हाट्सएप मैसेज और या फिर अपना बिजनेस प्रमोट करना है लोकली, प्रमोट योर पेज, आपका पेज प्रमोट करना है, मोर लीड्स आपको लेना है या फिर मोर कॉल्स लेना है। तो अगर आप गेट मोर व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज जब कोई फेसबुक पर आता है तो वो स्क्रॉल अप करता है, स्क्रॉल अप ऐसा। आपका जो प्रोजेक्ट जो भी सर्विस है उनके सामने आती है तो मैक्सिमम लोग फ़ोन करने से अच्छा व्हाट्सएप मैसेज करना प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है, वो डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं तो आपको कस्टमर भी मिल जाता है और कस्टमर पर कुछ भी बर्डन भी नहीं रहता है कि अरे यार कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा व्हाट्सएप मैसेज वाला आप सिलेक्ट कीजिए, कॉल्स वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजिंग ऐप्स का ऑप्शन आता है, आप इंस्टा पे भी मैसेज ले सकते हैं, मैसेंजर पे भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। अभी इन दोनों को मैंने अनटिक कर दिया है, सिर्फ व्हाट्सएप वाला ही रखा है। इससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा ये होता है, अगर आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट करते हैं तो उनके इंस्टा से आपके इंस्टा पर डीएम आएगा, बट अगर आप व्हाट्सएप रखते हैं तो आपको जैसे ही मैसेज आता है तो आपके पास नंबर आ जाता है कस्टमर का, तो आप फिर से उनको कॉल कर सकते हैं। ये वाली जो फैसिलिटी है मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर नहीं है। जैसे आप कोई क्लिक करता है तो वो मैसेंजर के थ्रू मैसेज जाएगा और इंस्टा के थ्रू मैसेज जाएगा, जिससे कि उनकी इंस्टा आईडी आएगी ना कि नंबर। तो व्हाट्सएप वाले में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको नंबर भी मिल जाता है कस्टमर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ऑडियंस का ऑप्शन आता है। तो अभी हम ऑडियंस प्लस ये पोस्ट भी आपको रिप्लेस करना होगा, एडिट करके आप यहाँ से इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ से आप इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि ये पोस्ट कैसे बनाएं हम, तो सिंपल है, आपको कैनवा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। कैनवा एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी ऐप है, इसमें आपको कस्टम सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको कस्टमाइज़ करने के लिए टेम्पलेट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आप फेसबुक एड्स यहाँ पर सर्च कीजिए, सर्च बार में जाकर आपको फेसबुक एड लिखकर सर्च करना है। तो यहाँ पर जो भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स के टेम्पलेट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, बट अगर आपको स्क्वायर वाला चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम ऐड को सर्च करना होगा। तो सारे स्क्वायर वाले आपके सामने आ गए। जो भी आपको पसंद आता है उसको आपको क्लिक करके कस्टमाइज़ करना है। सपोज़ ये आपको पसंद आए, यहाँ से आप फ़ोटो रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करके भी अपनी गैलरी में से कर सकते हो रिप्लेस। अभी मैं कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, उसको रिप्लेस कर दिया अपन ने, करेक्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट भी रिप्लेस टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हो, पूरा एडिट कर सकते हो। यहाँ से सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपकी गैलरी में ये इमेज सेव हो जाएगा। अब ये हो गई पोस्ट की बात, ये पोस्ट सेव हो चुकी है। अब सेकंड चीज़ जो आती है मेन,
वो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जो भी आपकी सर्विस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ से आप फ़ोटो को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप इमेजेस पर क्लिक करके या फिर अपलोड इमेज पर क्लिक करके, सपोज आई सिलेक्ट कैमरा रोल पर क्लिक करने के बाद आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी और ये फ़ोटो हमने बताया था इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्रॉप करके, आपको कैसा चाहिए, स्क्वायर चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो हमारा स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये जो इमेज है स्क्वायर में आ गया। यहाँ से हम इसको फिर से चेंज कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, जो भी आपकी सर्विस है वो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर ना लिखें, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर कोई भी लिंक ना दें। उसके बाद आपको सेव कर देना है, हेडलाइन आपको देना है कुछ भी, जो भी आपका ब्रांड है उसका नेम दे सकते हैं, उसके बाद सेव कर देना है। अब जो मेन चीज़ एक और आती है वो आती है ऑडियंस, बिकॉज़ जो भी स्क्रॉल कर रहा है, सपोज़ आपकी जो सर्विस है वो यंगस्टर्स के लिए है तो वो 18 से 25 के बीच में रहेंगे या फिर 30 मैक्सिमम, तो यहाँ से आपको एज को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको रीजन लोकेशन सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप अगर लोकली करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोकल एड्रेस डाल सकते हैं, सपोज़ आपकी सिटी का नाम, आपके स्टेट का नाम, या फिर अगर आप कंट्री करना है तो यहाँ से आप अपनी कंट्री का नाम लिख सकते हैं। ये कर दिया और सेव कर दिया, तो अब पूरे इंडिया के लोगों को दिखेगा। जो ऑडियंस साइज़ है वो है 400 मिलियन से 450 मिलियन तक। अब यहाँ से अगर हम एज को सिलेक्ट करते हैं 30 तक की, तो यहाँ से ऑडियंस साइज़ कम हो जाएगा, स्पेसिफिक हम गए। और भी ऑप्शंस होते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, फेसबुक एड मैनेजर आता है या फिर अभी वो मेटा एड मैनेजर हो गया है, ये एप्लीकेशन है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप को आप जैसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। ऑडियंस साइज सिलेक्ट करना, ऑडियंस सिलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। सपोज़ अभी हमने ऐड सिलेक्ट किया तो वो 18 से 25 के लोगों को तो दिखेगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, अगर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड है तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करना पसंद करेंगे जो इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ से सेम ऑप्शंस हैं, सेम ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करके यहाँ से इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम सारी चीज़ें रहेगी। इससे भी आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, बट सबसे पहले पेज बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको फेसबुक से बताया है। यहाँ से आगे करते करते आप यहाँ पर ऑडियंस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एज सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप देखिए कि आपके जो ऑडियंस है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सपोज़ आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर लिखना है और डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर देना है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। जैसे आपकी ऑडियंस, आपका जो भी प्रोडक्ट है, सपोज आप आर्किटेक्ट हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीरियर डिज़ाइन, अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीरियर डिज़ाइन, यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन, तो इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड काफ़ी सारे आ जाएंगे, तो आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक्सक्लूड पीपल, किन को आप नहीं दिखाना चाहते, सपोज़ आपका इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड है लेकिन आप चाहते हैं कि बिल्डर्स को ना दिखें, तो यहाँ पर आप बिल्डर सर्च कीजिए, प्रॉपर्टी बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी बिल्डर करते हैं, पर इंटीरियर डिज़ाइन यहाँ पर देखिए प्रोफेसर को नहीं करना चाहते हैं और कुछ कुछ लोगों को नहीं करना चाहते, तो उनको राइट कर देना है, तो इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा आपका, और इंक्लूड वाले में उन लोगों को दिखेगा। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करके यहाँ से बजट आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक बार आप ऑडियंस सेव कर देते हो तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस आने लग जाते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं ऑडियंस के,
ये सी ऑल पर जैसे क्लिक करते तो काफ़ी सारे ऑडियंस मैंने सेव कर रखी है, जैसे मॉडल्स इन इंदौर, इंदौर आर्किटेक्ट न्यू, तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें सेव कर रखी है। जैसे मॉडल्स का मैंने कर रखा है 1929 की होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, मॉडलिंग एजेंसी में इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, लुक मॉडल एजेंसी एंड सोशल, काफ़ी सारे मैंने ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे, इंदौर ऑल का कर रखा है, ठीक है, और यहाँ से मैंने स्पेसिफिकली इनको सिलेक्ट कर रखा है। जैसे ही आप वहाँ से सेव करते तो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड मनी करना है, कितने भी आप जितने भी रुपए का ऐड चलाना चाहते हैं, 100 रुपये का ऐड चलाना चाहते हैं, 1000 रुपये का, मिनिमम 500 रुपये का अगर आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और यूट्यूब के सॉरी फेसबुक के एल्गोरिथम को भी रहेगा कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है तो वो अपने हिसाब से कर पाएंगे। जैसे आप मनी ऐड कर देते हैं, आपको प्रमोट नाउ पर क्लिक करके सेव कर देना है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रन हो जाएगा अमाउंट करने के बाद। जैसे ही रन होता है तो आप इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन उसी अकाउंट से करना है जिस अकाउंट से आपका फेसबुक है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने के बाद आपका जो ऐड है यहाँ पर दिखने लग जाएगा। यहाँ पर मैसेजिंग कन्वर्सेशन आपको दिखेगा, कितने मैसेजेस आपको आए हैं, एक मैसेज का कितना अमाउंट लग रहा है पर मैसेजेस, और टोटल आपका अमाउंट कितना स्पेंड हो चुका है। यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके इस ऐड को एडिट भी कर सकते हैं रन होते हुए भी। यहाँ पर आप टाइमिंग शेड्यूल कर सकते हैं कि कब कब ऐड दिखना चाहिए और कब कब नहीं दिखना चाहिए, और एवरीथिंग यू कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर। सो दिस वॉज द सिंपल मैथड जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, दिस वॉज द सिंपल स्टेप्स जिसके थ्रू आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।